आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। मैं रमेश कुमार यादव। आजमगढ़ महाराजगंज सगड़ी तहसील के देवारांचल क्षेत्र में घाघरा नदी के कटाव तीव्र गति से हो रहा है, जिसकी चपेट में आने से आधा दर्जन घर घाघरा नदी की चपेट में आने से घर नदी में विलीन हो गया है और कुछ गांव नदी के चपेट में आने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तरी छोर पर घाघरा नदी प्रभावित होती है, जिसका जलस्तर बढ़ जाने से हर वर्ष बाढ़ आती है, जिससे लगभग लाखों की आबादी वाला क्षेत्र प्रभावित होता है। हाँ। इससे पहले भी आपका घर कटा उठा हुआ है? तीसरा बार है। हाँ। तो कोई आया था मौके पे? कोई नहीं आया। हाँ। लेखपाल साहब आए थे कि हाँ, नहीं आए? नहीं, लेखपाल साहब आए थे। हाँ। और कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि बंधा हुआ रमन का घर मिल जाए, जमीन से खाती हूँ, हमारा बाल बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है, हम चाहते हैं। आज कैसन लोगों ने इकट्ठा भेलवा? नदी घाघरा काट रही है, हम लोग घर द्वार कट गए, चार पांच गांव घर कट गए। कब से काटत किए? काटे किए असार। कोनो सरकारी कर्मचारी आए लगा, शासन प्रशासन के लोग आए लगा? क्यों ना आए सब, हमें दरखास्त दे दिया रानी जिला पर, उन्हें सुनाई नहीं, खाली लेखपाल साहब आए ना। लेखपाल साहब का चाह था सरकार से का उम्मीद करिए? ये सर चाहते हैं कि हमारे बंदा उस पर मिल जाए, तीन जाए जमीन कट गई, हमार कटर हमार अपने खेत में चले आए, आपको कड़ी खेत ना रहे। ये समय रोटी पानी का कैसी व्यवस्था होती है साहब? साहब रोटी पानी की व्यवस्था करो सरकार की, तबे हो पाई ना। अमरजीत यादव। आप लोगों के यहाँ इकट्ठा होने का आज क्या उद्देश्य है? यहाँ इकट्ठा होने का मतलब है यहाँ कटान लगी है, घाघरा नदी कटाव कर रही है। कब से कटाव कर रही है? ये कटाव बारिश के समय से हो रहा है। अब तक कितने घर कटाव हो चुका है, कितने घरों का? यहाँ पे लगभग 5-7 घर कट चुके हैं और बाकी गांव जो है पूरा बस्ती कटान के कागार पे है। क्या इस मामले को आप लोग क्या किसी संबंधित अधिकारी के पास आप लोग पहुँचे, प्रार्थना पत्र दिए या नहीं? इसका सब अधिकारी को सूचित कर दिया गया है, प्रार्थना पत्र भी दे दिया गया है और यहाँ लेखपाल साहब आए थे, उनसे भी लिखवाया गया, लिखवा उखवा करके लेकर के गए और सबके पास पहुंच गया है। लेखपाल साहब केवल यहाँ का आ रहे हैं, देख रहे हैं और बाकी कोई अधिकारी आज तक नहीं आया।